श्री मुक्सर साहब पुलिस की ओर से लगाया गया नशों के खिलाफ एक सेमिनार। गांववासी मिलकर अपने गांव से नशे को बाहर निकाल दें, पुलिस आपके साथ है, बोले एसएसपी श्री मुक्सर साहब। श्री मुक्सर साहब के गांवों में नशे को रोकने के लिए मानयोग एसएसपी श्री मुक्सर साहब की ओर से मुक्सर जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रही नशे को रोकने के लिए मुक्सर साहब के गांव रुपाना वासियों को जागृत किया गया। वहीं पंजाब में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए एसएसपी मुक्सर ने गांव में जाकर गांव वासियों को अपने गांव को नशा मुक्त करने के लिए गांव वालों को जागृत किया। वहीं उन्होंने सेमिनार में संबोधन करते हुए कहा कि अगर आपकी नजर में कोई भी नशा बेचने वाला दिखाई देता है तो आप सभी मिलकर उस नशा बेचने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले करें। जिस तरह पंजाब में लूट, चोरी, रेप, कत्ल की वारदातें आम सुनने को मिल रही हैं, इन सब में सबसे बड़ा कारण है नशा। नशा करने वालों को कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं देता। वही एसएसपी मुक्सर साहब ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि आज आप गांववासी मिलकर अपने गांव को नशे से बाहर निकाल दें और पुलिस आपके साथ है। देखो जी, ये साड़ी पंजाब सरकार वालों हदायतां ने और साडे सीनियर ऑफिसर ईवन डीजीपी साहब साडे और आईजी होर सारे जाने पिंडां दे विच जा रहे ने और जिस तरह आपने अज मीटिंग की है इस तरह ही सारे ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਗਤੀ ਰਾਜ ਕੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅਨਿਲ ਪੰਸੀਜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।